नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। मालखा विधानसभा के छाजपुर खुर्द गांव में इस वक्त मौजूद हूँ। आप पीछे देख पाएंगे ट्रैक्टरों से जो सजावट की गई है, गाड़ियों में जो सजावट की गई है, आज किसके लिए जो यहाँ के ट्रैक्टर है जाने वाले हैं, वही चीज़ें हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल आप ट्रैक्टर देख लीजिएगा, ये देखिएगा झंडे यहाँ पर आप कांग्रेस के देख रहे हैं, गुज्जर ट्रैक्टर पर लिखा हुआ है गुज्जर। एक इधर ट्रैक्टर देख लीजिएगा और एक इधर देख लीजिएगा, ट्रैक्टर यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है पहुँचे हैं। उस साइड भी और दिखा दीजिए, वो देखिएगा सामने जो काफ़ी सजावट जो है ट्रैक्टर पर की गई है, झंडे लगाए गए हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है एक ही गांव के जो है ट्रैक्टर फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर इस साइड में भी ट्रैक्टर है, न्यू होलैंड इस साइड में भी ट्रैक्टर है और दूर दूर तक जो है यहाँ पर आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो है ट्रैक्टर के साथ जो है आज कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा जो है पोस्टर भी लगाया गया है छाजपुर, ये देखिएगा कि ताकि पहचान रहे कि ये गांव छाजपुर से आया है। ये देखिएगा यहाँ पर काफ़ी जो है गांव के लोग जो है प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं। और इधर भी देख लीजिएगा, ये एक और जो है ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं, आओ थोड़ा आगे से दिखाओ, ये देखिएगा ये भी ट्रैक्टर जो है छाजपुर से है और ये भी जो है कार्यक्रम में पहुंचने के लिए रेडी है। और नवा काफ़ी ज़बरदस्त जो है दिखाई दे रहा है, आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर हैं गांव के जो है, इनसे जो है बातचीत कर लेते हैं कि कहां पर जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई का? सुमित नाम है भाई। सुमित जी, इतने जो ट्रैक्टर में देख पा रहा हूँ कोई, हालांकि बताया जा रहा है कि पीछे हो अभी और भी ट्रैक्टर आ रहे हैं और गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम? एमपी साहब आ रहा है दीपेंद्र हुड्डा जी जी, और विधायक धर्म सिंह छोकर ने बुला रखे उनको संभाल बियोली पसीना रोड पे, उसकी तैयारी में के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वागत के लिए जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी के स्वागत के लिए जी। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जी आज यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है कि उनके आने से जो वोटरों में फर्क पड़ेगा, क्या असर रहेगा चुनाव पर? वोटरों तो वोट तो नहीं किए हैं, असर तो आप देख ही रहे हो, एक तरफा काम है, असर वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें, एक तरफा काम हो रहा है। तो एक तरफा बता रहे हैं, एक तरफा 1.25 लाख वोट है धर्म सिंह छोकर की। 1.25 लाख? 1.25 लाख कैसे आंकड़ा लगाया? क्योंकि मैं बात करूं तो मनमोहन सिंह बडाना भी जो है दमदार बताए जाते हैं, रविंदर माचरोली भी दमदार कैंडिडेट बताए जाते हैं, लेकिन इनका अकेले का 1.25 लाख वोटों का आप आंकड़ा बता रहे हैं? भाई बडाना की तो ऐसा, वो तो एक महीना पहले हो रहा आया बेचारा, बडाना का क्या है यहाँ बताओ, क्या है 10 दिन तक आएगा पैसे फेंक कर पीछे वाला जमाना चाह लिया, जमाना चले गया, वो टाइम गया पैसे वाला, जब लोगों ने बकाया लग रहे देने, अब बकावे में नहीं आएंगे, नहीं आंदा कोई भी बकाए में भाई, फिर तो काम चाहिए लोगों ने, पुराना समय था वो, हाँ वो पुराना समय था, अब तो लोगों ने काम चाहिए अपने दुख दर्द में चाहिए, यहाँ 24 घंटे चाहिए काम चाहिए, काम चाहिए और दुख सुख में आदमी चाहिए यहाँ, तो पैरा सूटता हूँ मैं, अगली भी तैयारी कर ली ना, पहले राजस्थान लड़ लेंगे जाएगा जी, उसके पिताजी यहाँ छोड़ गए थे राजनीतियों के कारण आया। तो कैसे आपको पता चला कि अगले चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं? उसके पिताजी ने इंटरव्यू दिया, आपने सुना नहीं है? मतलब आगे भी तैयारियां हैं, तो राजस्थान जाकर लड़ लेंगे चुनाव, अगला राजस्थान ही चले जाए, फिर उसके कारण आया। तो यहाँ के लोग नहीं चाहते कि उसको विधायक बनाए? विधायक जी की 1.25 लाख वोट इसलिए है, पूरे ब्राह्मण समाज का समर्थन है विधायक जी के साथ, SC BC का पूरा समर्थन है, गुजरों का, जाटों का, नाइयों का, सैनियों का, बताओ बचा कौन है? अच्छा, मैं गांव की बात करूं तो यहां पर जो आज कार्यक्रम में जा रहे हैं कौन कौन से समाज के जो है यहां पर लोग इकट्ठा हैं और कार्यक्रम में जा रहे हैं? ब्राह्मण समाज के, गुजर, SC BC, सैनी और नाई, सभी गांव में, मतलब 36 बिरादरी है ना गांव में, कोई घर नहीं बच रहा जिसमें 36 बिरादरी के गांव के लोग जो है कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में ये वोट भी करेंगे या वैसे ही इकट्ठा हो रहे हैं कार्यक्रम? दोनों आ जाओगे, वो वोट इतनी गर्मी में परेशान होने लग रहे जो वोट नहीं देंगे, बिल्कुल बताओ नहीं देंगे ना वोट? जी 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 जी, जो जी जान लगा लग रहा है ट्रैक्टर गाड़ियां ट्रॉली कंपैन जिस पर जो भी सामान हो लेगा जाला है वोट नहीं दे, वो वोट तो नगाव में ही डालनी, बिल्कुल। और लोग तैयार है रोहतक जाने के लिए भी, बिल्कुल वो तो सांसद साहब MP साहब यही अलग रहे, लोग वही जान दे लेने खातर, वही चले जाते, वही चले जाते, मतलब इतना जज्बा और इतना ये चाहते हैं कि इतना प्यार है MP के लिए, MP साहब के लिए युवाओं में जोश है पूरा, और हमारे MLA साहब के लिए भी जोश है पूरा, जोश पूरा जोश है, 1.25 लाख वोट इसलिए आएंगे हम
मतलब कमी नहीं छोड़ रहे हैं कहीं। कमी नहीं छोड़ेंगे कोई भी। अच्छा, ये तो 10 दिन तक इन सोच रहे हैं वोट मिल जाएगी, वो तो टाइम जा लिया, वो पुराना समय था जो हमारे बड़े बुढ़े बकाए में आजे दिन के। जी 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 जी, ये तो 6G आने वाला हो रहा। अच्छा, ये बुढ़े मेरे बिना नेट का टाइम था, बेचारे सीधे बोले आदमी थे बका ले देना। अच्छा अच्छा, ये तो 6G पे घरों बैठ कर देखा आदमी। जी जी जी, सोशल मीडिया का जमाना है क्या? जी 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 जी, क्या नाम है जी आपका? एक मिनट, प्रवीण छजपुर है जी नाम। प्रवीण जी, हाँ जी बोलिए। वोट भी करेंगे या वैसे ही भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? वोट देंगे, वोट की चोटी तो काम करेगी, विधायक बनाओगे संभाल के लगे। अच्छा, हाँ ठोक का कति मशीन कति पे बटन दबेंगे, कति दब गए दबा दब दबा दबा दब बटन दबेंगे। अरे ये है ना, कति सारा माहौल आपने देख लिया होगा, 36 बरादरी के आदमी है इसमें। हाँ, गाँव में बढ़िया समर्थन मिल रहा है धर्म सिंह चौकर ने, पूरे गाँव का। और उसका काम बोल रहा है, काम कर रखे उन्होंने, काम कर रखे, काम बोला है, गांव के अंदर विकास कर रखा, हल्के का विकास कर रखा। हाँ, छजपुर गांव में स्कूल अपग्रेड करा रखे ने, शिक्षा के तुम जनता देखो कितनी है जी। कितने ट्रैक्टर, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, एक गांव की है छजपुर, छजपुर की। अच्छा अच्छा, एक एक गांव बच गए, 84 गांवों में कितने भी कलर, कितने आदमी पहुंचेंगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा, देखिए ट्रैक्टर जाएंगे काफी संख्या में, गाड़ियां जाएंगी काफी संख्या में, इसका तेल वेल का कैसे खर्चा, मतलब चल तेल तो बढ़ाना दे भाई, 500 रुपये मोटरसाइकिल में, 1500 रुपये का ट्रैक्टर में, 1000 रुपये गाड़ी में। ये तो अपने घर तक फुक करने वाले हैं, देख मेरे बड़े अपने घर तक फुक करने वाले हैं, तो नहीं ना, को पीसे वाले को ना, ये लालच नहीं है, तो पसीना बहाने वाले हैं पीसे वाले को ना। अच्छा, पीसे वाले तो वही है भाई, संभल के ही, मतलब लालच नहीं है कि किसी का तेल लेना है। ही नहीं तो अपने घर तक खर्चा कर लाग रहे भाई, सारी उम्र अपने घर से निकलवाना। 20 दिन दे देगा तेलो, 5 साल कौन देगा फिर? लोगों ने तो काम चाहिए, तेल को नहीं चंदा, काम चाहिए, यहाँ तो आदमी चाहिए दुख सुख में। जी जी जी, हमारे भाई जी। हाँ, नमस्कार जी, क्या नाम हो गए? मुकेश शर्मा, छजपुर खुर्द। शर्मा जी, हाँ जी, पक्की बात है शर्मा जी? आधार कार्ड दिखाऊं? अच्छा शर्मा जी, एक बात बताइएगा, अब की बार ब्राह्मण वोटर्स किस तरफ झुक रहे हैं? कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं, पक्के वाले झुक रहे हैं। क्या कारण मानते हैं जो उनकी तरफ झुक रहे हैं? काम और विकास देख के झुक रहे हैं, काम करेंगे। अच्छा, विधायक जो है आपके धर्म सिंह चौकर जी बनने के बाद, क्या लगता है कि विकास के आपके गांव में या फिर आसपास विकास किस तरीके से करवाना चाहते हैं, कि जो आसपास के एरिया के लोग भी जाने कि भाई साहब धर्म सिंह चौकर जी ने ये विकास सिंह जी ने पहले भी 5-2 बार बन चुके, बहुत विकास किया, जितनी भी सड़कें निकली है ना संभाल के हल्के में, गाँव को गाँव से जोड़ने वाली सभी धर्म सिंह ने बनवाई है, अरब की बार भी उससे ज्यादा ही काम होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा होगा जी। डिप्टी सीएम बनेंगे धर्म सिंह चौकर जी, पक्की वाली बताइए वाली बात, 110% यार लगता है बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं, बन गए, मुख्यमंत्री भी आपका, विधायक भी आपका, सरकार भी आपकी, सब सौदा मारे रहेगा संभाल के हल्के का अब की बार। अच्छा जी 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 जी, आपका क्या नाम है जी? मुकेश रंगा जी। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा है फिलहाल चुनाव का माहौल? धर्म सिंह चौकर बन चुके हैं जी, बन चुके हैं। हाँ, बन चुके हैं। हाँ। संभाल के हल्के की 36 बिरादरी उनके साथ है। और मैं ऐसी समाज से हूँ, ऐसी समाज से। हाँ, और ऐसी समाज पूरा उनके साथ है, पूरा समर्थन है उनको, पूरा समर्थन। हाँ, पूरा समर्थन है। कमी कहाँ है, थोड़ी मोटी तो बताइए, पूरा समर्थन ही दे दिया आप? हाँ, पूरा दे दिया, कहीं कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है संभाल का हल्का ने उनको 110% नंबर दिए हैं। 110%? हाँ बिल्कुल, इतने विकास कार्य है किए उन्होंने बहुत ज्यादा। जी 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 जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा वशिंदर गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप भी इनके साथ लगे हुए पूरा समाज जी, धर्म सिंह के साथ? हाँ जी, नेताजी के साथ पूरा समाज हमारा। हमने बना विधायक मैं लिया धर्म सिंह चौकर को, मान लिया, बन गया, बन गया। हाँ जी, डिप्टी सीएम आने वाला। अच्छा गोस्वामी जी, आपके घर की, आपके परिवार की वोटों की बात की जाए, कितने वोट हैं? महाराज जी 250-300 वोट होंगे घर घर की, घर घर की, पूरे परिवार की। 250-300 में से कितनी धर्म सिंह जी के पास जाएंगे? सारी उनके जाएंगे जी, जितनी भी हैं। कैसे गारंटी ले रहे हैं? अपने आप भरोसा जी, हमने खुद पे। हाँ। अपने तो जी काम पे जी, देख लीजिएगा कभी घर वाली कहीं और वोट डाल दे। यहाँ दिल से जुड़े आदमी है जी, जनता की पब्लिक में जो लॉटरी प्यार है, जनता का नेता जी का प्यार है, जो इतनी पब्लिक जुटी हुई है। और अपने घर वाले से, अपने घर से तेल फूक अपने पैसे लगा कह रहे हैं जी, 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 कोई यहाँ बढ़ाने वाली पार्टी ने 500 डालिए चल दे। अच्छा, सब अपने घर से लगा लगा के, मतलब इतना भरोसा है विधायक जी पर कि घर से तेल भी लगा रहे हैं, उसको जितवा भी रहे हैं। जो पार्टी है बीजेपी ने साल में कर दिया, जो था जैसा था वैसा का वैसा ही है। जो काम नेताजी ने कर रखे 5 साल पहले 10 साल पहले, वे नुके नहीं रुके, बढ़िया आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं हुआ आगे। जी 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 जी, आपका क्या नाम है भाई साहब?
अमिता जी। अमित जी गांव के रहने वाले हैं। गांव के हैं जी, वाल्मीकि समाज से हैं। वाल्मीकि समाज से हैं जी। पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी हम तो अपने एमएलए साहब का, धर्म सिंह चोकर का। हाँ। सारा अपना सारा सब वाल्मीकि समाज सारे। अच्छा, वाल्मीकि समाज की मैं बात करूँ तो सुनने में आता था कि बीजेपी के साथ रहता है वाल्मीकि समाज। ये तो जी हर बरादरी में एक आधा बंदा होता है जी, ऐसे नहीं है। सारा अपना ये भी अपने सारे भाई बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं सब भाई। अच्छा, आप ही के समाज की मैं बात करूँ, कितने वोट होंगे आपके गांव में यहाँ पर? आपके परिवार की बात कर लीजिए। 150-200 वोट आ गए हमारा वाल्मीकि समाज है। तो 150-200 में से कितने धर्म सिंह के हैं और कितने औरों के? 135-130 वोट अपनी सारी है, जो हमारा परिवार है सब एक तरफा धर्म का ही है। एक तरफा घूम जाएगा? हाँ बिल्कुल। 5-10 वोट इधर उधर हो जाते हैं इधर उधर, बाकी अपना सारा धर्म सिंह चक्कर का ही है जी अपना। अच्छा, क्यों लगे इनके साथ, क्या कारण है? काम इतना कर रहा है जी, इतना बढ़िया जी, जो ये आए अभी बढ़ाना साहब, इनका तो नाम भी हमने अभी सुना है। नाम अभी सुना है? अभी सुना, हमने तो कभी देखे भी नहीं यार। पता ही नहीं था हमने जैसे बढ़ाना कुछ है। जी 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 भाई, धर्म सिंह के काम बोल रहा है। आपने शहरों तक पूछ लिया, हर बरादरी का आदमी है, उसके काम बोल रहे, काम करा भाई, वो दिल से जुड़े है, हल्के मरा हुआ है, दुख सुख मरा हुआ है, दुख सुख में रहते। हाँ, दुख सुख में रहते हैं जी जी जी। हाँ, हाँ, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नईम खान है जी। नईम खान, मैं नवादा से हूँ। अच्छा, और पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ है और साथ ही रहेगा। और यही बात इसकी, साथ है और साथ ही रहेगा। और सुनने में, सुनिए, सुनने में आया था इकरा सिंह भी घूम रही है। इकरा सिंह कहराने में है, यहाँ थोड़ी है, वोटों के लिए आई है, किसी के लिए अपील करने? तो अपील करना है कांग्रेस के साथ है वो, तो हमारा जो है वो गठबंधन में जाना है, तो हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस साथ रहेंगे। अच्छा, इकरा जी जैसे किसी और के लिए वोटों की अपील भी करती है, तो क्या इकरा जी के साथ जाएंगे या फिर धर्म सिंह जी के ही रहेंगे? हम तो ये इधर धर्म सिंह के साथ ही रहेंगे, ये कांग्रेस में है, कांग्रेस के साथ है, इकरा जी कैसे बाहर जाएगी? और धर्म सिंह तो अब से पहले ये तो सत्ता में नहीं थे, अन्य धर्म सिंह तो जहाँ से निकल जाओ प्रजनता उनके साथ रहती है। अच्छा। समझ गए। और अब ये रही है तो जो है दूसरी पार्टी ने, विपक्ष ने इनके साथ जो है वो गैर सलूक कर रखा था, अन्य जो है ना ये धर्म सिंह छोकर तो ऐसी पार्टी से है कांग्रेस से, ये दबने वाली पार्टी नहीं, ये राहुल को दबा रखा है इन्होंने विपक्ष ने, अन्य दबने वाली पार्टी नहीं है। और धर्म सिंह तो जहाँ से गुजरेगा एक साथ, अभी क्या देखा, 2 दिन के अंदर देखो क्या होता है। अच्छा जी हाँ, कांग्रेस की, कांग्रेस जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद रहेगी जी हाँ। देखिएगा, आप तकड़े वाले फैन है भाई साहब, भाई धर्म सिंह छोकर टी शर्ट भी जो है उन्हीं की जो है डाल रखी है। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है भाई का? साहिल। साहिल जी गांव के ही हैं। हाँ जी। तो क्या है चुनाव का माहौल, कैसे देख रहे हैं इस बार? बढ़िया समाज से हूँ। बढ़िया समाज से। हाँ जी। कितने वोट हैं आपके परिवार के? हमारी जी 42 वोट है। बढ़िया बढ़िया की, 42 घर घर की, सारी धर्म की है, सारी धर्म की। कैसे जिम्मेवारी ले रहे हैं 42 वोटों की? भाईचारा साथ है जी, घर मेरे वोट देने। देख लीजिए कभी घर वाली की। भाई है मेरे वोट भी। हाँ जी, ताऊ का लड़का। अच्छा, ये सही कह रहे हैं ये बात? सही कह रहे जी, सच बताइए। अच्छा जी, कभी गलत नहीं कह रहे। अभी जबरदस्ती आपको ले आए यहाँ पर? जबरदस्ती नहीं, हम साथ ही रहते हैं। हाँ, भी थोड़ा शराब पी आई ना, फिर कुछ भी नहीं करवाया। अपने दिल पर रहा, हम तो अपने दम पर पीवा। अच्छा, पीते भी आए तो अपने दम से पीते। जी जी जी। फिलहाल देखिएगा काफी भीड़ युवाओं की आज यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। हाँ जी, क्या कौन कैसे है जी भाई साहब? भाई धर्म सिंह बनेगा। धर्म सिंह बनेगा? हाँ। क्यों बनेगा, क्या कारण? काम कर रखे बतेरे भाई, कोई हमें भी बताइए एक दो काम कि ये काम हुआ है। स्कूल बनवा रखे कहीं भाई, अस्पताल बनवा रखे पुल्ली में। अच्छा। हाँ, तो अब बनने के बाद लगता है कि ऐसे ही जो है विकास की जो गंगा है बहुत तेज भागेगी जब ये विधायक बनेंगे, या फिर कहीं ब्रेक के चांस है, कहीं ब्रेक लग? काम करेगा भाई, तो काम कर रखे बतेरे में, काम करेगा। हाँ जी। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर जो है जी, क्या नाम है भाई साहब? मैं बढ़िया परिवार से हूँ। बढ़िया परिवार से हैं? हाँ जी जी। और मैं डाढ़ोले का रहने वाला हूँ, और जो धर्म सिंह छोकर ने काम किए हैं डाढ़ोला में, अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए? हाँ जी। देख लीजिएगा, कभी फिर बाद में बोले कि बढ़ाना का कोई काम नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वोट की जो है आपके परिवार की, जैसे कि कितने वोट होंगे आपके गाँव में? बहुत वोट है, अंदाजा कुछ है? काफी वोट है। काफी वोट है, काफी में से काफी आएंगे, या फिर कहीं ब्रेक भी लगेगी वोटों की? प्रेस भी लगेगी।
चलिए फिलहाल क्या नाम है भाई का? उसका मेरा नाम सेठी सोरेन है। हाँ, कला से। क्या कहना चाहेंगे, आज भीड़ काफी है यहाँ? यहाँ भीड़ काफी आई है, सब धर्म सिंह के प्यार में इकट्ठे हो रहे हैं और एक तरफा लहर है। 25-75 का इलेक्शन है, 75 में चौधरी धर्म सिंह छोकर है, बाकी 25 में ये सारे हैं। 25 में सारे गिनवा दिए, 75 में चौधरी धर्म सिंह। आपने कैसे आंकड़ा लगाया ये 75 में ये है और 25 में वो? का प्यार है और एक ही जुबान से यही नाम आ रहा है भाई, चौधरी धर्म सिंह अब की बार आना एक तरफिया जीतेगा, एक तरफा जीतेगा, एक तरफिया मोल है बिल्कुल। ये सब कमन में बहम है भाई, मनु बढ़ाना यहाँ कुछ कर देगा, मनु बढ़ाना की जितनी गिनती होगी ना जिंदगी में कभी आना संभाल के हल्के से, मनु बढ़ाना कभी लड़ेगा नहीं इलेक्शन, अब की बार ऐसा काम हो जाएगा, अब की बार ऐसा काम कर देंगे। चौधरी धर्म सिंह है ना एक तरफिया, सबके मन में बसया, सब अच्छे काम करे उन्हें, धरातल पर काम कर रखे, ये कहने की बात नहीं है, लोग ये जबान तक बोलते हैं बात, ये तो एक बार आए हैं फिर चले जाओगे, ऐसा काम नहीं करते धर्म सिंह, तो लोगों के दिलों में बसा रहा। फिलहाल देखिएगा भीड़, युवाओं का जोश आप देख पा रहे हैं, धर्म सिंह चोकर जी के लिए जो है काफिला अब जो है चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, ट्रैक्टर गाड़ियां दूर दूर तक जो है दिखाई दे रहे हैं, और आप देखेंगे थे कि वहां पर भी जो है गाड़ियां हैं वो भी धर्म सिंह चोकर जी के काफिले में जो है शामिल होने के लिए, यहां से अभी काफिला रेडी हो चुका है, और देखेंगे काफ़ी भीड़ यहां पर ट्रैक्टरों की आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सजावट की गई है, झंडे लगाए गए हैं, हालाँकि गाँव का भी जो है नाम वो लिखा हुआ है छाजपुर, ताकि पता रहे कि जो है यहाँ पर कौन से गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं। जी भाई साहब, भाई तो विधायक जी का प्यार है, पता क्या भाई, पैसा तो किसी का भी हो, पैसे तो मल्ले बना लाग देना नहीं, चौटाला साहब पर यहाँ किसी ने भी नहीं जमन दिया, आदमी दुख सुख का साथी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद कार्य करवाओ, नौकरी दिलवाओ, रोजगार दिलवाओ, जिससे आगे दो पीढ़ियाँ, जिसका एक बच्चा लग गया ना दो पीढ़ियाँ सुधर है उसकी। जी 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 जी, जी। पैसे कितने दे, 5,000 दे जाएगा बिल्कुल, 10,000 दे जाएगा बिल्कुल, कितने दिन दिखाऊंगे उन्हें बिल्कुल, 15 दिन भी चल दे में बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना भाई? जी जी जी, इस तरह का कुछ नहीं है, विधायक साहब की 1,25,000 वोट है और 1,25,000 वोट होता जीत पाऊंगे विधायक जी, धर्म सिंह चौक पर जी। हल्के में भाई साहब सेवा करा है, लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा, कोई नहीं कर सकता जो काम है, खंड पर बस लगातार चल रही उसकी जी जी जी, लगातार बस चल रही उसकी खंड पर जी, जी। तो सेवा कर रहा है, सेवा भी कर रहा है जनता की, कोई नहीं करता, और इसके अलावा चलिए देखिएगा यहाँ पर जो है काफिला जो अब निकल चुका है, और यहाँ पर इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूँ अश्विनी कुमार, जय हिंद।